वेलकम टू एग्ज़ाम टू बीपीएससी एंड बीएसएससी को ध्यान में रखते हुए हम घटना चक्र की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और ये एंशिएंट हिस्ट्री से होगा। इसके बाद हम मेडाइवल और मॉडर्न भी करेंगे। तो आइए एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक, वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक तथा पुरातात्विकविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं की अन्वेषण की शुरुआत की। स्पष्टतः इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काश्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था, तो यह विभाजन थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेग संग्रहालय में 1818 और 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काश्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जॉहानसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। उल्लेखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागौर भिलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है, तो यह स्थान आदमगढ़ है। हमने इसकी व्याख्या पहले के क्वेश्चन में कर दी है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण महदहा और सराय नहर दोनों से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा महदहा के तीन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं।